हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको विश्वनाथन आनंद जी की एक और बेहतरीन गेम दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया सा एक रुक सेक्रीफाइस दिया था। वो रुक सेक्रीफाइस देने के 5 मूव्स के बाद एक्चुअली वैसले इवानचुक जो कि उनके ओपोनेंट थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। ये गेम जो है 1993 में एट लिनारस में खेली गई थी। आनंद जी ने गेम की शुरुआत e4 खेल के की और इवानचुक जी ने रिप्लाई दिया e5। नाउ नाइट f3, नाइट f6 और ये है दोस्तों पेट्रोप डिफेंस या फिर रशियन डिफेंस, जहाँ पे नॉर्मली वाइट जो है वो नाइट कैप्चर्स e5 खेल के कंटिन्यू करता है और ब्लैक d6 खेलता है। देन नाइट f3 एंड नाइट कैप्चर्स ऑन e4, ये जो है नॉर्मल कंटिन्यूशन रहता है। बट नाइट f6 के बाद आनंद जी ने इस पोजीशन में d4 खेला एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन e4, बिशप d3, सो नाइट पे अटैक है एंड नाउ d5। सो यहाँ पे आनंद जी ने नाइट कैप्चर्स e5 खेला और ये दोस्तों जो है सेम लाइन में गेम चली गई बाय ट्रांसपोजिशन। नाइट d7, नाइट कैप्चर्स d7, बिशप कैप्चर्स d7 एंड नाउ शॉर्ट कैसल एंड क्वीन h4। सो क्वीन h4 का माइट भी एक आइडिया ये हो सकता है दोस्तों कि आपने जो है d8 से क्वीन हटा ली, दैट मीन्स ब्लैक जो है वो लॉन्ग कैसल के लिए जा सकता है। दूसरी बात, जब नाइट f3 पे मौजूद नहीं होती है, यूजुअली आपको जो है किंग पे अटैक करने का अच्छा चांस मिलता है। सो यही इवानचुक का प्लान है। यहाँ पे आनंद जी ने c4 खेला एंड ऑफकोर्स आप यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज बिशप कैप्चर्स, क्वीन कैप्चर्स एंड इवन जो है वो वाइट के लिए विनिंग हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक ने कैसल किया एंड नाउ c5, जबकि इसी पोजिशन में आप पोन कैप्चर्स d5 खेल के भी जो है खेल सकते थे, बट इन दैट केस बिशप d6 एंड ब्लैक को यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव मिलने का चांस है। से आप g3 खेलते हो, बट नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन g3, एफ कैप्चर्स ऑन g3, क्वीन कैप्चर्स ऑन d4 चेक एंड किंग h1 या तो फिर g2, देन क्वीन कैप्चर्स ऑन e4 चेक। सो नाइट का सेक्रीफाइस दो पोन के बल्ले में एंड देन आपके किंग के अगेंस्ट जो है ये दोनों डायगनल ओपन है, जहाँ पे ब्लैक के बिशप जो है वो काफ़ी एक्टिव है। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आनंद जी ने शायद जो है वो लॉन्ग कैसल के बाद c5 खेला, उन्होंने पोन कैप्चर नहीं किया है। गेम में g5 खेला गया एंड नाउ नाइट c3, बिशप g7, g3, क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन h3, नाइट कैप्चर e4, डी कैप्चर्स ऑन e4 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन e4। सो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक ने जो है अपना पोन दे दिया, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्लैक को पोन के बदले में जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मिल सकता है अगर वाइट जो है उस पोन को सेव करने की ट्राई करता है। बिशप b5 इवानचुक ने खेला, सो रुक पे अटैक है और इनकेस दोस्तों अगर आप रुक e1 खेलते हो देन बिशप कैप्चर्स ऑन d4, पोन तो वापस मिल ही गया और साथ साथ अभी देखिए बिशप कैप्चर्स ऑन f2 की भी थ्रेट है। सो यहाँ पे ब्लैक को जो है अच्छी पोजीशन मिल सकती है। बट एनीवेज गेम में क्या हुआ दोस्तों, बिशप b5 के बाद एक्चुअली आनंद जी ने जो है अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने पहले खेला बिशप g2 एंड नाउ क्वीन f5 एंड स्टिल अगर रुक इवन खेलते हो देन सेम चीज़ हो सकती है, बिशप कैप्चर्स ऑन d4। बट आनंद जी ने जो है बिशप e3 खेला, उन्होंने अपना सेंटर का पोन सेव किया और अपना एक्सचेंज जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया। जबकि इसी पोजीशन में आप जो है क्वीन f5 के बाद क्वीन b3 भी खेल सकते हो, जहां पे आप बिशप को मूव करोगे देन क्वीन कैप्चर्स ऑन b7 आ रहा है। सो से यहां पे आप c6 खेलते हो बट देन d5 और बिशप कैप्चर्स f1 देन पोन कैप्चर्स ऑन c6 एंड से पोन कैप्चर्स ऑन c6 और बिशप कैप्चर्स ऑन f1 के बाद स्टिल वाइट जो है एक्शन डाउन है, बट ब्लैक का किंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी वीक है। बट एनीवेज गेम में क्वीन f5 के बाद आनंद जी ने बिशप e3 खेल के डायरेक्टली ही जो है वो एक्शन का सेक दे दिया, बिशप कैप्चर्स ऑन f1 एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन f1। सो दोस्तों ये एक्शन सेक देके क्या मिला, टेम्पररी आपने जो है अपना सेंटर पोन सेव करके रखा है, दूसरी ओर आपको यहाँ पे दो बिशप की वजह से ब्लैक के किंग पे जो है अटैकिंग पोटेंशियल काफ़ी नज़र आ रहा है। पॉइंट ये है कि ब्लैक के रुक जो है वो इतना जल्दी लाइंस ओपन नहीं कर सकते और गेम में जो है आ नहीं सकते। इस पोजिशन में रुक h2 e8 खेला इवानचुक ने एंड नाउ क्वीन f4। सो आप जो है कैसे ऑन पोन पर अटैक कर रहे हैं, किंग b8। इन केस दोस्तों क्वीन a4 के बाद अगर आप पोन को a6 खेल के सेव करते हो बट देन c6 जो है वो काफ़ी डेंजरस है। सो क्वीन a4 के बाद किंग b8, रुक d1। सो ये आइडिया ये है दोस्तों, रुक टू d3 एंड रुक टू माइट बी a3 और इवन b3। सो ये रुक लिफ्ट जो है वो काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पे c6, रुक d3, क्वीन e4 एंड नाउ रुक a3। सो a7 पे अगेन अटैक है एंड नाउ a6, बिशप d3, क्वीन पे अटैक है, क्वीन g4, रुक b3,
सो यहाँ पे दोस्तों थ्रेट्स हो सकती है लाइक बिशप कैप्चर्स a6 या फिर क्वीन कैप्चर्स ऑन c6, बिशप कैप्चर्स ऑन d4 खेला गया और इवांचुक ने ऐसा माना कि यहाँ पे जो है शायद बिशप कैप्चर्स ऑन d4 या तो फिर क्वीन कैप्चर c6 या फिर बिशप कैप्चर्स ऑन a6 आ सकता है, जिसमें उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ। से अगर आप क्वीन कैप्चर्स ऑन c6 खेलते हो बट देन क्वीन d1 चेक एंड किंग g2 एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन b3 है, वो जस्ट विनिंग है। पॉइंट ये है कि पोन कैप्चर्स b3 के बाद पोन कैप्चर c6 एंड ब्लैक इज विनिंग। बट दोस्तों बिशप कैप्चर्स ऑन d4 के बाद एक्चुअली आनंद जी ने एक बढ़िया सी मूव प्लान करके रखी है। सो वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से आनंद जी यहाँ पे विन हो सकते हैं। रेडी दोस्तों, यहाँ पे आनंद जी ने अपना रुक का सेक्रीफाइस दे दिया, रुक कैप्चर्स ऑन b7 और गेम मानो खत्म ही हो गई। किंग कैप्चर्स ऑन b7, नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन a6 चेक, किंग b8, क्वीन b6 चेक। इन केस दोस्तों क्वीन कैप्चर्स ऑन a6 चेक के बाद आप डायरेक्टली किंग जो है उसको c7 पे ले जाते हो, बट देन दोस्तों क्वीन a7 जो है वो सिंपली विनिंग है क्योंकि आपके पास एक ही मूव है एंड देन बिशप a6 एंड इट्स अ चेकमेट। सो क्वीन कैप्चर्स a6 चेक के बाद किंग b8 यहां पे फोर्स, क्वीन b6 चेक, किंग a8 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन c6 चेक, किंग b8, क्वीन b6 चेक, किंग 8। नाउ आनंद जी ने बिशप टू b5 खेला और दोस्तों इस पोजीशन में ब्लैक के पास कोई डिफेंस ही नहीं है। मेरे पास है बिशप c6 चेकमेट की थ्रेट और अगर आप रुक c8 खेल के उसको सेव करते हो बट देन बिशप c6 चेक, रुक कैप्चर्स ऑन c6, क्वीन कैप्चर c6, किंग a7 और नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन e8। दोस्तों जिस केस में व्हाइट के पास जो है 3 एक्स्ट्रा पोन है और व्हाइट की पोजीशन जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है, उसी तरह से बिशप b5 के बाद अगर आप जो है क्वीन e4 खेलते हो और आप ट्राई ये करते हो कि बिशप के बदले में आप क्वीन दे दोगे, लास्ट में आपको जो है यहाँ पे वाइट का बिशप भी मिल जाएगा, सो आपके पास जो है वो दो रुक रहेंगे। बट दोस्तों ये भी गलती होगी, यहाँ पे बिशप c6 चेक, क्वीन कैप्चर्स ऑन c6, क्वीन कैप्चर्स ऑन c6, किंग b8, क्वीन b6 चेक, किंग c8 और अब जो है बिशप कैप्चर्स ऑन d4 खेला जा सकता है, जिस केस में अगर आप डायरेक्टली कैप्चर करते हो देन ये चेक और माइट भी आपको जो है यहाँ पे अपना रुक मिल जाएगा क्योंकि चेक में आपका रुक जा रहा होगा। अगर आप किंग d8 खेलोगे देन क्वीन f6 में ये रुक चला जाएगा। सो यहाँ पे आपको पहले जो है वो रुक इवन चेक देना पड़ेगा, जिस केस में किंग g2 एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन d4। सो ब्लैक के पास जो है दो रुक रहेंगे, सो डेफिनेटली ये जो है अच्छा होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पे c6 के बाद गेम खत्म हो जाएगी क्योंकि वाइट का ये पोन जो है वो काफ़ी पावरफुल बन जाएगा। तो चलते हैं गेम में, जहाँ पे बिशप b5 खेला गया बट इस पोजीशन में दोस्तों इवांचुक ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम और आज का ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।